नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राहगीर इंडिया करियर अड्डा। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आपकी भाषा में, सरल भाषा में, जिसमें आप समझ सकते हैं, उसमें आप तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ ही इन सब एग्जाम्स के लिए आपके रिटन एग्जाम्स और इंटरव्यू में आने वाले जो भी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, वो हम टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में जानकारी दी थी। आज के इस वीडियो में हम कश्मीर डिस्प्यूट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और अभी हाल ही में पाकिस्तान ने जो गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में ऑर्डर पास किया है, उसकी चर्चा करेंगे और एनालाइज करेंगे कि इसमें भारत की जीत है या हार है और इंडिया को इसके लिए क्या ऑप्शन जो हैं अपने रखनी चाहिए। दोस्तों, हाल ही में मई में पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 पास किया था और इस ऑर्डर के दौरान जो पाकिस्तान के जो चार प्रोविंस हैं, उसमें इन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान को एक एडिशनल प्रोविंस के तौर पर शामिल कर लिया गया। दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया इंडिया के नॉर्थ में, जम्मू एंड कश्मीर का हमारा एरिया है, उसके नॉर्थ वेस्ट में आता है। यहाँ जो आप गिलगित और स्कार्डू का एरिया देख रहे हैं, ये गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है। इस एरिया को आप डिटेल में थोड़ा राइट साइड में देखें, आप देखेंगे जो येलो का एरिया है दोस्तों, ये गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है, अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इस येलो के नीचे जो ग्रीन एरिया है, ये आज़ाद कश्मीर या जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हम कहते हैं। जो रेड में एरिया है दोस्तों, ये सारा इंडिया के पास है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर। इसके राइट साइड में और नॉर्थ में अक्साई चिन का एरिया है जो चाइना के पास है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत के पास जो पुरानी कश्मीर रियासत थी, उसका अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 36% ही पार्ट हमारे पास है और बाकी का पाकिस्तान और चाइना के पास है। दोस्तों, इसे डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जिसे गिलगित वजारत कहते थे, और ये 1935 में अंग्रेजों ने कश्मीर के जो डोगरा रूलर थे, उन्हें लीज पर दिया था। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, तो उस टाइम जो वहाँ की मेजॉरिटी की पॉपुलेशन थी, वो मुस्लिम थी, लेकिन जो राजा थे, महाराजा हरि सिंह, वो हिंदू थे। महाराजा हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर रियासत के आखिरी महाराजा थे और वो डम्मू के डोगरा क्लैन को बिलोंग करते थे। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के दौरान कश्मीर किसी भी पाकिस्तान और इंडिया में शामिल नहीं हुआ था। इसका फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने कबालियों के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लड़ाई कर दी और हमला कर दिया, और इससे काफ़ी जो वहाँ का एरिया था, वो उन्होंने कब्जे में ले लिया। जब ये कबालिये श्रीनगर के पास पहुँचने वाले थे, तब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर कश्मीर को भारत का अंग बना दिया और कश्मीर पूरी तरह से इंडिया में शामिल हो गया। भारतीय फ़ौजों ने बिना टाइम बर्बाद करते हुए एयरलिफ्ट से श्रीनगर में अपनी फ़ौजें दाखिल करी और कबालियों को धीरे धीरे पीछे भेज दिया। ये युद्ध दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर तक चला और बाद में 1948 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने यूएन में जाकर सीज फायर के लिए अर्जी दे दी। सीज फायर के टाइम में ये सीज फायर लाइन बनी और जिसके हिसाब से दोस्तों कश्मीर, लद्दाख और जम्मू एरिया भारत में रह गए तथा गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में रह गए। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर का कुछ एरिया अक्साई चिन जो चाइना के पास है, इसे 1962 में चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया गया था। इसके बाद दोस्तों 1963 में जब हमारी चाइना के साथ लड़ाई हुई, तो पाकिस्तान ने इसमें अपना मकसद देखा और कुछ एरिया जो गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया था, यहाँ जो आप देख सकते हैं, ये उन्होंने चाइना को दे दिया। आज की तारीख में हमारे पास ये वाइट का एरिया है जो कश्मीर का हिस्सा था, वो हमारे पास है, बाकी ये रेड चाइना के पास है और ये जो ग्रीन है, ये एरिया जो है पाकिस्तान के पास है। दोस्तों, आइए अब गिलगित बाल्टिस्तान की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के चार प्रोविंस हैं जो आप मैप पर देख सकते हैं। ये एरिया अंग्रेजों के लिए बहुत स्ट्रेटजिक
महत्व का एरिया था जहाँ पर ये रशिया और नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर जो है नज़र रखते थे। दोस्तों इंडिपेंडेंस के दौरान में ये एरिया महाराजा हरि सिंह के कंट्रोल में था और वहाँ पर एक गवर्नर होता था। जब इंडिपेंडेंस हुई तो ब्रिटिश सेना के मेजर ब्राउन थे, उन्होंने उस गवर्नर को हिरासत में ले लिया और गिलगित बाल्टिस्तान को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। आज दोस्तों गिलगित बाल्टिस्तान का अराउंड 72,000 किलोमीटर्स का स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन पॉपुलेशन होती है। इसके डिस्ट्रिक्ट्स आप स्लाइड पर देख सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रोविंस बनाने के लिए जो ऑर्डर पास किया है उसका महत्व क्या है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान शुरू से ही पूरे कश्मीर पर अपना हिस्सा जमाना चाहता था, हथियाना चाहता था इसने, और सिंस गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो कश्मीर का हिस्सा था इसलिए उन्होंने इसे अपने पाकिस्तान में शामिल नहीं किया ताकि ये डिस्प्यूटेड एरिया रहे और इसे बार बार वो कश्मीर में उठाते रहे। इसलिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से थोड़ी सी ज़्यादा ऑटोनॉमी जो है गिलगित बाल्टिस्तान के एरियाज को दी गई थी, लेकिन यहाँ के लोग चाहते थे कि उन्हें पूरी तरह से पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए ताकि उन्हें जो है लेजिस्लेटिव पावर्स मिल जाएं जिसके हिसाब से वो अपना जो है खुद शासन कर सके। इसके लिए दोस्तों ये जो नया ऑर्डर पास किया है इसमें जो है गिलगित बाल्टिस्तान की अपनी असेंबली होगी, इन्हें और पावर्स दी जाएंगी, अपने लॉज हाइड्रो पावर और मिनरल्स के बारे में तथा जुडिशरी के बारे में अपने ये लॉज बना सकेंगे। अब ये समझना ज़रूरी है कि इतने सालों बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में इस तरह का चेंज क्यों लगाया, जबकि वो चाहता है अभी भी कश्मीर को, तब भी क्या कंपल्शन थी कि उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान का जो है वो पूरा का पूरा रुतबा ही चेंज कर दिया। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना, और पिछला टॉपिक जो मैंने आपसे डिस्कस किया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पाकिस्तान और चाइना मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं जिसमें कि चाइना के काश्मीर प्रोविंस से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक एक ऑल वेदर रोड बनाया गया है और वहाँ से चाइना का सामान ढोया जाएगा। चाइना इस पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहा है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 62 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, और वो नहीं चाहेगा कि उसकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है डिस्प्यूटेड एरिया में जाएं। इसलिए वो चाहता है कि पाकिस्तान इसे अपने असेंबली में शामिल कर ले ताकि ये डिस्प्यूटेड ना रहे। लेकिन दोस्तों कश्मीर के बाकी हिस्सों में जो कि मिलिटेंट्स ने सोचा हुआ था कि हमें जो है कश्मीर का मुद्दा जो है हम हमेशा अपना सुलगते रहेंगे इस मामले में, ये उनके लिए बड़ा बड़ा धक्का लगा है और उन्होंने बाकी एरियाज में उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ चाइना जिसको कि इस मूव से जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स में स्टेबिलिटी मिलती है, उसे अपना फ़ायदा होता है, वो चुपचाप बैठा है कि किसी तरह से ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स स्टेबल हो जाएंगी। जहाँ तक भारत का सवाल है दोस्तों, तो हम इसे अपना कश्मीर का अभिन्न अंग मानते रहे हैं और हमने इसे एक डिस्प्यूटेड एरिया बताया गया है, और ये अगर पाकिस्तान अपने इसमें शामिल कर लेता है तो ये डिस्प्यूटेड एरिया का जो औचित्य है वो नहीं रह जाएगा, इसलिए हमने इसके लिए स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया है। दोस्तों हमारे लिए ये मूव अच्छी भी शामिल हो सकती है और कश्मीर समस्या को जल्दी से हम हल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया हम अपने कश्मीर में मानते हैं और इसे हम डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहते हैं और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट्स यहाँ से जाने वाली हैं, तो हम काफ़ी हद तक चाइना के ऊपर प्रेशर डालकर उनसे हम कंसेशंस ले सकते हैं। दोस्तों हम हमेशा मानते रहे हैं कि कश्मीर का जो डिस्प्यूट है शिमला एग्रीमेंट के तहत होना चाहिए। इंडिया का हमेशा स्टैंड ये रहा है और भारत ये चाहता है कि जो आज की जो सीज़फ़ायर लाइन है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये परमानेंट बॉर्डर बन जाए, ये आईबी बन जाए, ताकि जो एरिया हमारे पास है वो हमारे पास रहे, जो एरिया पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास रहे। इनफैक्ट 1948 में जब हमने सीज़फ़ायर के लिए यूएन में गए थे तब भी हमारा यही मकसद था। पाकिस्तान आज तक जो अपना प्रोपेगेंडा करता रहा है कि हम कश्मीर को आज़ादी दे देंगे, हम कश्मीर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ये पूरी तरह साफ हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के लिए नहीं लेकिन अपने लिए लड़ रहा है, और इस तरह देख के टेररिस्ट और पाकिस्तान के बीच में एक जंग सी छिड़ सकती है, उनके बीच में एक दरार आ सकती है। और दोस्तों जब तक ये सब तक सारा पूरा ना हो जाए हमें कश्मीर पर अपना जो क्लेम है वो नहीं छोड़ना चाहिए और हर इंटरनेशनल फोरम में इसे हमें
अपना एरिया बताना चाहिए और चाइना के साथ मिलकर किसी तरह से इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।